हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नौमी, एंड जहाँ तक मैं सुन रही हूँ 2 बजे के बाद दो बजे तक ही नौमी रहेगा, एंड उसके बाद लग जाएगी दसवीं। तो इस बार 4 को भी दशहरा शो कर रहा है एंड मेरे कैलेंडर में, और 5 को भी शो कर रहा है। आप लोग क्या क्या शो कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बस हमने पूरी हलवा चना बना लिया है, उसका भोग लगा दिया है। तो सिंपल तरीके से चना बनता है, मतलब मैं रिफाइंड जीरा मिर्चा और व्रत वाला मसाला डालती हूँ और हल्दी नहीं डालती हूँ, उसका चना बनाती हूँ। बॉल नो प्याज नो लहसुन, क्योंकि माता रानी का प्रसाद होता है। एंड वो चना बनाती हूँ, पूरी हलवा वो मैंने बना के भोग लगा दिया है। अब हो रहा है हवन, सब लोग हवन कर रहे हैं। तो बहुत लोग के घर पंडित जी आते, बट हमारे यहाँ हमारे पति देव जी करते हैं, तो वो मंत्र कर रहे हैं एंड हम लोग सब लोग मिल के बैठ के कर रहे हैं हवन। हवन होने के बाद हम लोग कन्या खिलाएंगे, जो कि आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता, बहुत अच्छा होता है। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारी कन्याएं आती हैं, सबको खिलाते हैं और सब खुश होके जाती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हवन होने के लास्ट में गरी होता है, जो मेवे वाली गरी होती है, उसके बीच में भरते हैं हम लोग जो हवन वाला बसता है, एंड उसके बाद लास्ट में उसको डाला जाता है। तो वही मेरे पति देव कह रहे हैं गरी मैं काट नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो खड़ी खड़ी होती, तो ये किस तरीके से काट रहे आप देख ही रहे होंगे। एंड ये देखिए, इसके अंदर भरेंगे हवन की जो सामग्री लास्ट में बसती, एंड इसको आखिरी में ऊपर से डाला जाता है। आपके यहाँ अगर पंडित जी लोग पूजा करते होंगे तो उन लोग को ज़रूर पता होगा ये। हम लोग ने कर दी थी, एंड उसके बाद सारी कन्या आ गई थी। तो कन्या का पहले हम लोग चरण स्पर्श करते, मतलब सॉरी चरण धुलवाते हैं, पोछते हैं, उसके बाद कलर लगाते हैं। एंड कलर हमने लगा दिया 3-4 कन्या लोग को, फिर जूही लगा रही थी सबको फटाफट। और आप देखिए कन्या, कितनी सारी कन्या आई हैं, सब छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी तक कन्या आई हैं। तो 14 कन्या और 5-6 लंगूर आए थे हमारे घर पे, और वो सब बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत इंजॉय करते हैं, और मुझे हम लोग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इधर ये देखिए, मैंने 3 साइज की चूड़ियाँ रखी, बिंदी रखी और टीका। मैं इसमें थोड़ा अच्छा डालूंगी एंड थोड़ा सा पानी, उसके बाद टीका लगाऊंगी। तो ये देखिए हम लोग बना रहे थे माला, क्योंकि मेरे छोटे वाले भाई की इच्छा थी, वो भी 9 दिन व्रत रहता है, कि सारी कन्याओं को माला भी पहनाया जाए। तो ये मेरा छोटा वाला भाई है जो पिंक कुर्ती में है, मतलब वो बांध रहा है माता रानी लोग को चुन्नी, और ये मेरे मियाँ जी पहनाते जा रहे हैं माला। और इन लोग ने जब कन्याओं को चुन्नी बांध दी थी, माला पहना दी, तो उसके बाद मैं लगा रही थी टीका बिंदी, एंड जो कन्या को जो जो चूड़ी हो रही उन लोग को देती जा रही हूँ, फिट जो जिसको फिट हो रहा है उनको देती जा रही हूँ, जिनको जो पसंद हो। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब चीज़ें करना। और मेरी परू भी बैठ गई है, क्योंकि उसको भी शौक लग रहा है कि मुझे भी चूड़ी, मतलब मैं पिछले साल उसके लिए चूड़ी लेके आई थी ना, उसे चूड़ी बिल्कुल नहीं पहनना था, इस साल उसको बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था। Oh,
मेरी परू को जिनको चूड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है, ये छोटी चूड़ी फटाफट पहन ली, जैन टूट भी गई थी इनके हाथ में, तो कहीं परू को लगी नहीं। और देखिए कितनी क्यूट लग रही है मेरी परू, एंड क्लैपिंग भी कर रही है अगर मैंने उसको चूड़ी पहना दी। अब मुझे पता हो गया कि परू को चूड़ी पसंद है, तो मैं परू के लिए 2 दर्जन चूड़ी लेके आऊँगी। Are you sure about that? कि बच्चों को यही सब चीज़ें अच्छी लगती है। ये सबसे छोटी कन्या जो कि बहुत क्यूट है, मैंने उधर बैठा के रखा था जिधर 9 कन्याएं बैठाए थे, बट वो अपनी जो बड़ी दीदी के साथ है तो उसके पास आके बैठ गई। तो ये सबसे छोटी सबसे क्यूट सी कन्या थी, एंड इसने पाजेब पहना हुआ था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। इधर जब तक मैं टीका लगा रही थी, चूड़ियाँ दे रही थी, तब तक जूही सबकी प्लेट फटाफट लगा रही थी कन्या लोग की, चना हलवा गरी एंड केला पूड़ी। तो फटाफट सबकी प्लेट लगेगी एंड देना है सबको। कन्या लोगों ने प्रसाद खा लिया था, और प्रसाद बहुत हो रहा है, सब कन्या लोग पैक कर लेती हैं। तो इधर देखिए ये सबको गिफ्ट है, परु अपने बड़े पापा के पीछे पीछे लगी है कि बड़े पापा मुझे भी गिफ्ट चाहिए। एंड अब ये देखिए परु अपनी जगह आके बैठ गई है, तो हम लोग ने परु को भी गिफ्ट दिया। परु कितनी ज़्यादा खुश हो रही थी, और हम लोग को परु की ये सब हरकतें देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
और सुबह हम लोग ने कन्या को खिला दिया था, और शाम को आई थी मेरी सबसे छोटी कन्या, मेरी किक्की, मेरी भांजी, मेरी प्यारी प्यारी किक्की, देखिए कितनी क्यूट लग रही है। तो ये कन्या है हमारे घर की सबसे छोटी कन्या, ब्राह्मण सब कुछ है। और परू के लिए भी, मतलब परू तो अभी बहुत छोटी है तो ना पेंसिल बॉक्स यूज कर सकती है ना लंच बॉक्स, तो हम लोग परू को कैश दे देते हैं लिफाफे में करके। और ये माया जीजा जी, तो अभी हम लोग परू को टीका करेंगे। जैसे परू आती ना बहुत ज़्यादा डिमांड में, सॉरी जैसे किक्की आती ना बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती किक्की, और मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती हूँ तो मैं अपनी फ्रेंड को जूही कहती हूँ, एंड इधर देखिए मैं किक्की को बार बार परी कह रही हूँ। और किक्की बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है, सब लाइन में लगे रहते हैं किक्की को खिलाने के लिए। अब ये देखिए किक्की बलून खेले, कितनी क्यूट लग रही है। और साथ में है परू, ये देखिए परू, क्योंकि हम लोग साथ इतना नहीं खेलते जितना अपने भैया लोग के साथ खेलती है। ये चिल्लाई मार रही, बड़ी मार रही जी, मार रही लेकिन आप ढंग से जीवी कर लेते हैं ना।
और ये देखिए किक्की मेरे पास, एंड किक्की चली गई थी, दीदी जी भी चली गई थी, उसके बाद डिनर बनाया था मैंने, सबने डिनर किया, एंड उसके बाद हम लोग आ गए थे जो गोमती नगर में पंडाल लगा हुआ था माता रानी का, वहाँ पे क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा मन था, मैं तो बहुत थक गई थी, मेरे बिल्कुल मन नहीं था। तो सबसे पहले बच्चों ने खाया अमेरिकन स्वीट कॉर्न जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और इसके दाने बहुत बड़े बड़े थे, बहुत ही यम, बहुत टेस्टी लगा। तो हम लोग ने ये खाया था क्योंकि हेल्दी एंड टेस्टी होता है। और उसके बाद बतासा 9 दिन के बाद हम लोग ने शाम को 6 बजे के बाद मतलब अन्न खा लिया था, क्योंकि उसके बाद लग गई थी दसवीं, और खाना था क्योंकि उसके दूसरे दिन। और ये अभी गाड़ी पार्क में ही लगा रहे क्योंकि इनकी गाड़ी अच्छे से लग जानी चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा लगता है, और हम लोग तो इन्जॉय करते। अब ये आ गए हैं, और इत्तेफाक से अद्विक का एक फ्रेंड मिल गया था, अद्विक बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। कभी कभी मन ना हो फिर भी जाना पड़ता है क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा मन था, बच्चों को झूला झूलना था और पंडाल देखना था। अगर आज हम लोग ना जाते तो दशहरे के दिन पंडाल हट जाता है क्योंकि माता रानी का विसर्जन होने के लिए चला जाता है। एंड मैं फटाफट रेडी हो गई थी, मतलब मैं 2 मिनट में रेडी हुई थी क्योंकि बस मुझे जाना ही था कि बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी तो फिर सब कुछ बंद हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और बहुत सही टाइम पे हम लोग चले गए थे, हम लोग आधे ही घंटे थे, उसके बाद बारिश हल्की हल्की झीसी पड़ने लगी थी, मौसम तो वैसे भी ठंडा ठंडा था। अभी तो हम लोग बाहर ही हैं, पंडाल के बाहर ही हैं, बाहर ही इतनी अच्छी अच्छी स्टॉल लगे और भीड़ कम हो गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा लेट में ही जाऊँ। अब ये देखिए हम लोग पंडाल के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो बच्चों को अब पीना था कोल्ड ड्रिंक, एंड मेरे बड़े वाले बेटे को पीना है फ्रूटी, उसको मीठा बहुत ज़्यादा खाता है, उसको मीठा पीना खाना रहता है। एंड ये देखिए इधर लगा है पंडाल, और भीड़ आप देख ही सकते हैं उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम लोग 10:30 बजे जिस समय हम लोग गए समय बज रहे हैं 10:30, और बहुत सही टाइम है ये। कहीं भी जाएं, और मेरी मियाँ जी को भेलपूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे अपने हाथ की ज़्यादा अच्छी लगती है, और हमारा पेट भी भरा हुआ था, तो मेरे पति देव मेरे छोटा ला दोनों लोग चट हो रहे हैं, इन लोगों ने खाया भेलपूड़ी, मैंने तो वही स्वीट कॉर्न खाया था, 2 बतासे खाए थे बस, और मुझे बस आइसक्रीम खानी थी 9 दिन के बाद। और बच्चों को झूलना था झूला, मुझे भी मन था बट मैंने नहीं झूला क्योंकि 9 दिन व्रत के बाद मैंने सोचा कि मुझे चक्कर ना आने लगे, मैंने नहीं झूला। झूला थोड़ा छोटा था, अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं शायद झूला जरूर झूलती। देखिए झूला जिसमें मेरे बच्चे झूलने जा रहे हैं, एंड ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा होता ना तो शायद मैं ज़रूर जाती झूला झूलने। और अथर्व तो स्टार्टिंग में बहुत डर रहा था, और एक पता है क्या हो गया प्रॉब्लम, मेरे पति देव वीडियो शूट कर रहे थे बट उन्होंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था, और बच्चों का ये बहुत देर से बना रहे थे, और जब मेरा बेटा बड़ा वाला बेटा थोड़ा सा डर रहा था वो वीडियो जब शूट करना था तो ये कैमरा इन्होंने ऑन ही नहीं रखा था, एंड मैंने लकली देख लिया कि कैमरा ऑन नहीं है, और तब तक मेरे बड़े वाले बेटा बिल्कुल नहीं डर रहा था, उसको आदत हो गई थी, एंड दोनों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इसी टाइम पे हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, तो उसके बाद हम लोग गए माता रानी के दर्शन किए, एंड उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। तो बस आधे घंटे में हम लोग ने बहुत अच्छे से घूम लिया था, और थक भी गए थे, और रात भी हो गई थी इसलिए घर आ गए। मेरे घर के बहुत ही पास में ये पंडाल बना हुआ था।
देखिए माता रानी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही, बहुत अच्छी लग रही। तो ये है माता रानी का पंडाल और माता रानी बहुत प्यारी लग रही हैं। हम लोग ने माता रानी के दर्शन किए और उसके बाद हम लोग ने खाई थी आइसक्रीम एंड बस घर आ गए थे। मैंने नोटिस किया है कि मेरा वीडियो बहुत लोग देखते हैं, जिनमें से कुछ ही लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ आप लोग, जो लोग भी, जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा 10K हो जाए एंड उसके बाद मैं और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ। तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ठीक है, ओके टाटा बाय। मैं अपना वीडियो आज यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।